धार में आदिवासियों के भगवान माने जाने वाले बिरसा मुंडा की जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। मध्य प्रदेश शासन ने प्रदेश स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस धार में आयोजित किया, जिसमें राज्यपाल मंगू भाई पटेल, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर, जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने जनजातीय गौरव दिवस के माध्यम से आदिवासियों के भगवान माने जाने वाले बिरसा मुंडा को याद किया और भारत की आजादी में उनके योगदान को बताया गया। वही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 334 करोड़ के 57 निर्माण कार्यों का भूमि पूजन व लोकार्पण भी मंच से किया। वही कार्यक्रम में विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को हित लाभ का वितरण किया गया। हमने यहाँ आज बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर 334 करोड़ के लगभग 57 विकास कार्यों की सौगात दिए। मैं सबको बधाई देना चाहता हूँ। इतनी बड़ी क्षेत्र में ये जो सौगातें मिली है और शहडोल के अंदर 1500 रुपया महीना माता बहनों के लिए, हमारी आदिवासी अंचल बहनों के लिए 37 करोड़ की राशि एक सिंगल क्लिक से माता बहनों के लिए मिली है। जोरदार अभिनंदन करो अपनी बहन बेटी के लिए। केवल राखी या भाई दूज नहीं, ये माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री के मन के भाव है। हर बहन बेटी के हाथ में हर महीने जब 1500 आता है तो बदलाव तो आएगा कि नहीं आएगा। और पेशा कानून के लिए जोरदार ताली बजाओ गांव के अंदर। आप प्रशासन के सारे अधिकारी हैं, आपके सबके सामने सारे विधायक भी सुन लो, सांसद मंत्री भी सुन लो। हमारे गांव के अंदर, जिस गांव के अंदर स्कूल, हॉस्पिटल, खेल का मैदान, बिल्डिंग, पंचायत भवन जो भी बनाना होगा, पैसा कानून के अंतर्गत आप प्लान बनाना, पैसा देने की मेरी जवाबदारी है। आपने प्रत्येक गांव के अंदर सीएम ने कहा कि बिरसा मुंडा जयंती पर पूरे देश ने योगदान दिया है। आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है। भगवान बिरसा मुंडा जयंती पर पूरा देश मना रहा है। हमारे आदिवासी अंचल में पहली बार ऐसा हुआ है कि देश के राज्यपाल भी आए। मुझे खुशी है कि आदिवासियों की संख्या हमारे राज्य में सबसे ज्यादा है, विकास के मामले में सबसे ज्यादा आगे चल रहा है। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस ने आज तक इस पक्ष पर नजरअंदाज किया। ना कोई राष्ट्रपति दिया, ना राज्यपाल दिया। ये हमारी अपनी भावना है। हम आदिवासी समाज को केवल एक वोट बैंक का, वो कुछ और होंगे जो लोग केवल वोट बैंक के लिए झूठ बोल के सरकार चलाते थे, लेकिन सरकार के हित में जितना हो सकता है वो जरूर करने के लिए हम आगे बढ़े हैं। और उम्मीद करता हूँ आने वाले समय में मैं एक बार फिर महामहिम का अभिनंदन करता हूँ। आदिवासी समाज के लिए राजभवन के अंदर आपने पहली बार जनजाति प्रकोष्ठ की स्थापना की है। जोरदार अभिनंदन करो, आपके लिए राजभवन के दरवाजे भी खुले गए हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि बिरसा मुंडा जयंती पर पूरे देश ने योगदान दिया है। आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है, भगवान बिरसा मुंडा जयंती पर देश मना रहा है। भगवान बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर ये पूरे देश में योगदान दिया है। कई सारी योजनाओं के लिए जो उनने घोषणा की है, आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती पूरा देश मना रहा है। हमारे लिए आदिवासी अंचल में पहली बार ऐसा हुआ कि देश के राष्ट्रपति, हमारे राज्य के यशस्वी राज्यपाल, ये सभी आदिवासी अंचल से आते हैं। आज का दिन तो दिवाली, होली, सारे त्यौहार मनाने का है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आदिवासी अंचल हमारे पूरे देश के अंदर सबसे बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश में है। ऐसे में हमारी बड़ी संख्या, बड़ी आबादी के साथ साथ विविधता वाली विविध जनजाति का ये बड़ा बेल्ट विकास के मामले में यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ चल रहा है। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस ने आज तक इस पक्ष पे नज़रअंदाज किया। ना कभी राष्ट्रपति दिया, ना कोई बड़े काम किए। नर्मदा वैली से लेकर सारे काम करने का काम हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हुए और मुझे इस बात का संतोष है। हमारी सरकार भी इस दिशा में आगे बढ़ रही है। आने वाले समय में पशुपालन को बढ़ावा देते हुए दूध उत्पादन पर बोनस भी हमारी सरकार देने वाली है, क्योंकि हमारे आदिवासी भाई बहन खेती के साथ साथ पशुपालन का भी काम करते हैं।
खासी और जो खासकर युवाओं के लिए हमारे, जैसे हमने टंटिया मामा के नाम पे यूनिवर्सिटी दी है, धार में मेडिकल कॉलेज देने की, आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज की बात कही है, ऐसे भविष्य में विकास को लेकर खास करके तकनीकी दक्ष रूप बना करके अधिकांश युवाओं की आय की शक्ति बढ़े, रोजगार के साधन मिले और हमारी क्षमता, बौद्धिक क्षमता का उपयोग प्रदेश की बेहतरी के लिए करें, इस दिशा में हम कर रहे हैं। इसके साथ ही धार और धर्मपुरी विधानसभा क्षेत्र का विजन डॉक्यूमेंट का विमोचन भी हुआ। मुख्यमंत्री और राज्यपाल ने सकल सेल उन्मूलन 2047 डाक टिकट का विमोचन भी किया।